शादी हुई और वो बड़ी ही अब्यूजिव मैरिज थी और हम कोशिश कर रहे थे उसमें से उसको निकालने की और वो निकल नहीं पा रही थी तो हम लोग बड़े लॉस्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें यूनिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है बस हमें देखना नहीं आता हमें वो मौके चूक जाते हैं हम पकड़ नहीं पाते उस बात को और मेरे अंदर इतना पैशन था कि मुझे ध्यान सिखाना भी है क्योंकि तो पत्नी सर ना बोलते थे कि सिखाना है ध्यान सिखाना है और शाकाहार के बारे में पहले तो मैं शाकाहार के बारे में बोलती भी बहुत थी, बोलती हूँ ना कि एक एक फ़िल्मी गाना है थोड़ा सा मैं पत्री सर के लिए बोलूँगी वो गाना जब भी मैं सुनती हूँ सर की याद मुझे आती है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया तो पत्री सर का इन्फ्लुएंस तो मैं मैं बता नहीं सकती तो आँखों में आंसू आ जाते तो उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया नई नई दिशा जिसको बोलते हैं ना नई दिशा मैंने वर्ड तब जाना जब मैं पत्री सर मेरी लाइफ में आया नमस्कार आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है आप सभी जानते हैं कि ये आत्मा की यात्रा क्या है देश भर विश्व भर के चुनिंदा मूतियों को गिन चुनकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं हर एक मास्टर से हम कितना कुछ सीख सकते हैं हर एक मास्टर से उनकी यात्रा के द्वारा हम और गहराई से और जान पाते हैं अपने आप को आज हमारे बीच है हैदराबाद में रहती हूँ लेकिन हिंदी भाषी कविता जी उनकी जो सोल डिज़ाइन है वो दक्षिण भारत में है लेकिन है वो हिंदी भाषी कितना कुछ है जानने के लिए क्योंकि हम सब ने उनको देखा है स्वाध्याय में अनेकों अनेकों बुक्स को उन्होंने हमारे बीच प्रस्तुत किया है और आई आई एम श्योर सभी को सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे तो आइए स्वागत करते हैं हम सबके बीच एक महान हस्ती और एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हैं कविता दीक्षित जी को नमस्कार कविता जी थैंक यू सो मच नमस्कार बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने का <laughs> हम बहुत खुश हैं कि फाइनली आपको हम रोक के यहाँ पे लेकर आए क्योंकि आपको रोकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप बस पढ़ते रहते हैं किताबें पढ़ते रहते हैं और आपकी स्वाध्याय की जो ये यात्राएँ चलती रहती है बिल्कुल क्योंकि ऐसा आई एम श्योर आप कोई भी प्रोग्राम में देखे हो आपके पीछे आगे पीछे बस किताबें ही होते हैं क्योंकि ये जो ज्ञान का भंडार है वो आपके आपके द्वारा चलते ही रहता है कविता जी हम आपकी यात्रा में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी जो बचपन थी वो कैसी थी आप कैसे थे अपने बचपन में बचपन में बहुत कहना चाहिए इंट्रोवर्ट थी और फियर बहुत अंदर मतलब मैं कभी भी क्वेश्चन ना पूछने वाले जो क्लास में बच्चे होते हैं ना उनमें से थी मुझे कुछ नहीं आएगा तो भी मैं नहीं पूछूंगी मैं उससे स्ट्रगल करती रहूंगी बट आई विल नॉट कभी पूछूंगी नहीं मैं क्वेश्चन और बहुत इंट्रोवर्ट थी ज़्यादा बोलती नहीं थी और इसलिए जब भी मैं स्वाध्याय करती हूँ और लोग मुझे बोलते हैं आप अच्छा बोलती तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कभी मैंने सोचा नहीं था बट आत्मा की यात्रा यही है मेरी बट hmm. <laughs> मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से ही और पहले कॉमिक्स पढ़ती थी चंदा मामा ये सब पढ़ती थी हमारे टाइम पे नंदन चंदा मामा ये मैगजींस आती थी स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू किया फिर फिक्शन पढ़ने लगी मैं बहुत और क्योंकि मुझे एक्चुअली जब हम पी मैंने पीएमसी एंटर किया और जब मैंने देखा पत्री सर इतनी सारी बुक्स बताते हैं तो मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मुझे खजाना दे दिया क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि क्या पढ़ना है तो बस जो सामने आता जाता था वो पढ़ती रहती थी क्योंकि पढ़ने का शौक़ था मुझे बट हमारा जो बैकग्राउंड था मेरा वो बड़ा ही रिलीजियस था हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होता था एंड हम बहुत जो गॉड फियरिंग होते ना जो ईश्वर से डर के रहने वाले वो थे और हर चीज़ में मेरे अंदर एक वो था कहना चाहिए भावना रहती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएंगे तो ये करते हुए मेरा बचपन भी था पहले मैं बहुत पूजा पाठ नहीं करती थी लेकिन फिर उसके बाद शादी हो गई बच्चे हो गए तो जब फैमिली हो गई तो फिर पूजा पाठ भी बहुत शुरू कर दिया व्रत करना कड़क व्रत मतलब दिन भर पानी नहीं पीना खाना नहीं खाना इस तरह के व्रत करके भगवान को खुश करने की कोशिश करें तो और डर तो था ही खैर डर बहुत था मेरे अंदर और साथ में भगवान का डर भी था बाकी डर तो थे ही थे भगवान का बहुत डर था तो ऐसा करते करते काफ़ी पार्ट लाइफ का निकल गया स्ट्रगल्स भी थी लाइफ में वो तो आती ही रहती हैं आती जाती रहती हैं दो तीन मौके आए लाइफ में हमारे एक फ्रेंड थे जो कि ओशो के फॉलोअर थे और उन्होंने हमें काफ़ी बुलाया आप आइए हमारे साथ हमारा देखिए बट उस समय ओशो को लेके जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी समाज में तो हमने सोचा रे पता नहीं क्या है क्या कैसा कल्ट है क्या चीज़ है ये तो हम नहीं गए तो उसके लिए फिर मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ हमेशा जो मैं आज फिर से शेयर करूँगी <laughs> कि एक आ, एक बार एक आदमी था वो अपने एक नौकर के साथ ए, उसका एक घर बन रहा था वो देखने गया वो ऊपर चढ़ गया सेकंड थर्ड फ्लोर पे और नीचे जो नौकर था उसको वो बुला रहा था आवाज़ देके तो उस तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी तो उसने पहले पाँच रुपये का उसने उसने सिक्का फेंका एक तो नौकर ने देखा अरे सिक्का कहीं पड़ा हुआ उसने उठा के रख लिया फिर उसने पाँच रुपया फेंका कि शायद ये देखेगा कि कहाँ से आ रहा है फिर दस फेंका दस भी उठा लिया फिर उसने सौ फेंका तो नौकर ने देखा कोई देख तो नहीं रहा चुपचाप दबा के रख लिया फिर उसे थोड़ा गुस्सा आया तो उसने ऊपर से पत्थर उठा के फेंका छोटा वो पत्थर जब पड़ा उसको नौकर को तब उसने देखा रे किसने मारा <laughs> तो हमारी लाइफ भी ऐसी है <laughs> तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि पत्थर गिरने का इंतजार मत करो <laughs> जब नोट मिल रहा हो तभी ऊपर देखो <laughs> वाह तो सबके जीवन में कोई ना कोई तरीके से एक पत्थर तो लगता ही है और आपके जीवन में ये पत्थर कैसे लगा ये पत्थर ऐसे लगा कि मेरी बेटी की शादी हुई और वो बड़ी ही अब्यूज मैरिज थी और हम कोशिश कर रहे थे उसमें से उसको निकालने की और वो निकल नहीं पा रही थी तो हम लोग बड़े लॉस्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और उस टाइम पे हमको फिर से एक मौका दिया गया यूनिवर्स के द्वारा hmm. हमें सत्संग भी मिला हमें ध्यान भी मिला और उस तरह से मतलब यूनिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है बस हमें देखना नहीं आता बिल्कुल हमें वो मौके चूक जाते हैं हम पकड़ नहीं पाते उस बात को तो इस तरह से हमको कहना चाहिए सपोर्ट साथ में था मौजूद था जब टफ टाइम्स आते हैं लाइफ में तो आपके लिए वो सपोर्ट क्या था कैसे आपने इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आए अपने आप ही आ गए दैट इज द मतलब वो उसकी खूबसूरती है कि हमने बस ध्यान किया हम सत्संग में जाते थे और हम ध्यान करते थे और अपने आप ही धीरे धीरे सब चीज़ शॉर्ट होती चली गई और मैं कई बार सोचती थी कि इससे हम कैसे निकलेंगे लेकिन हम ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा एक बार ध्यान में आने के मुश्किल से एक या डेढ़ साल में सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई अपने आप में कुछ सोचना नहीं पड़ा हमको तो ज़्यादा तो क्या पॉइंट था किसने आपको ध्यान सिखाया और कैसे आप उस सिचुएशन को आप अलग नज़रिए से देखने लगे हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कविता गुप्ता है भुवनेश्वर में हम पहुँचे तो सत्संग में ही वो मुझे मिली हम जिस सत्संग में जाते थे, थे उसमें वो आई और फिर उन्होंने एक बार मुझे ऐसे फ़ोन किया कि भाभी मेरे गुरु आए हुए हैं पत्री साल तो हम उन्होंने पहले बताया था कि मैं ध्यान करती हूँ पर मैं ध्यान से डरती थी मुझे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो कई बार मुझे इनवाइट भी करती थी कि चलो हम साथ में ध्यान करते हैं पर मैं नहीं जाती थी मुझे लगता था एक घंटे तक आंखें बंद करके बैठना और जितने सारे थाट्स रे मैं डील नहीं कर पाती थी उस सिचुएशन से स्पेशली जब आप डिस्टर्बड हों तब तो वो और ज़्यादा अटैक करते हैं आपके ऊपर वो तो मैंने कहा कि उन्होंने बड़े प्यार से और अच्छे से बोला तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं आखिर क्या है उनके क्योंकि वो अपने गुरु की बहुत तारीफ़ करती थी उस टाइम पे तो मैं गई गई और वो अनुभव मेरे जीवन का ऐसा था कि जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया पत्री सर ने बांसुरी बजानी शुरू की और मैं तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ा सा पहाड़ है और मैं उस पर चढ़ती चली जा रही हूँ और सबसे ऊपर मुझे कृष्ण भगवान बिल्कुल ब्लू कलर के हैं और वो हंस रहे हैं और ऐसे ऐसे मुझे बुला रहे हैं एंड um, मेरा मतलब ऐसा कहता है ना दिल भर आता है ऐसा अभी भी आज भी वो अनुभव जब मैं याद करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं पूरा एक घंटा उस ध्यान में थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि और उसके अलावा क्या हुआ ऐसा लगता है बस एक ही मिनट की बात थी कि वो मुझे बुला रहे थे और मैं पहाड़ चढ़ रही थी उसके बाद पत्री सर ने पूछा किसके क्या अनुभव थे तो मैं जा क्योंकि मैंने बताया कि मैं डरती थी ज़्यादा बोलती नहीं थी मैंने कहा सर ने मैंने मैंने, मैंने पहाड़ चढ़ रही थी मैंने बस इतना ही बोला उनको तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फिर उसके बाद आ, कुछ टाइम बाद फिर आए सर भुवनेश्वर हम फिर गए ध्यान करने मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए उसमें तो पत्री सर ने किसी को डांट रहे थे कोई छोटा बच्चा लेके आ गया था ध्यान में और वो डिस्टर्ब कर रहा था बच्चा तो मैं डर गई पत्नी सर से तो उनके डांट से आप डर गए।, <laughs> गए तो मैं उनके पास जाने से डरने लगी हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी नहीं डांटा लेकिन फिर भी मैं उनके पास जाने जब भी मुझे मिलते थे हाथ पकड़ के और और मैडम और स्वामी जी ऐसे करके पूछते थे और बाबा क्या हाल ऐसे पूछते थे हमेशा पर मैं डर गई और एक चीज़ और भी थी जो मतलब मैं मेरे अंदर जो था कि पत्री सर जो है वो हमेशा कहते थे कि अपो दीपो भाव अपने गुरु तुम खुद हो और मैं जो मेरी अपब्रिंगिंग थी मुझे ऐसा लगता था गुरु का मतलब ये कि कोई आशीर्वाद देगा सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और ये सब बात थी तो पत्री सर को एकदम होल हार्टेडली मैं अपना गुरु नहीं बना पाई क्योंकि मुझे लगता था ये कैसे गुरु है एक तो ये सबके साथ मिलते हैं कोई वी आई पी बन के नहीं रहते दूसरी बात ये कहते हैं जाओ ध्यान करो और खुद ढूंढो सब कुछ मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, अपना खुद अपनी खुद हेल्प करो तो मैं दो तीन और गुरुओं को मैंने जाके देखा <laughs> ट्रायल एंड टेस्ट <laughs> ट्रायल एंड टेस्ट किया <laughs> और फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि पत्री सर की ग्रेटनेस और वो क्या सिखाना चाहते हैं और सच्चा गुरु क्या होता है ये मैंने रियलाइज किया मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी हम दोनों ने और फिर उसके बाद फिर हमारा सब भटकाव खत्म हो गया और हम टिक गए आकेम के साथ तो जब आपने इतने इतने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे ये ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके तो आपने क्या अलग देखा और ऑर्गेनाइजेशन में जो आप सर्च कर रही थी उसमें और इसमें क्या आपको फर्क लग रहा था मेन बात तो ये थी कि वहाँ एक गुरु होते थे जो कि ग्लोरिफाइड गुरु होते थे उनसे आप मिल नहीं सकते उनसे आप बात नहीं कर सकते और मतलब अनअप्रोचेबल जिसको बोलते हैं ना आप उनसे कुछ रिया मत और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए मान लीजिए आप पूछते हो जैसे हम यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे पी एस की क्या लगती है हम कितना शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसिस शेयर करते हैं मास्टर्स हैं कितने सारे जो आपको हर पल आपके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं hmm. वहाँ ऐसा कुछ नहीं है वहाँ आपको कोई ऐसी सुविधा नहीं होगी वो कि आप उनके वॉल्टियर्स होंगे तो वॉलेंटियर्स के पास तो और आपसे भी गए भी थे होंगे वो वो बन जाते हैं वॉल्टियर्स बट ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई आपसे ज़्यादा ज्ञान है तो कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके साथ शेयर करेंगे तो एक एलिनेशन टाइप का मतलब अलग हो आप आप उसके पार्ट तो लेकिन फिर भी आप उसके पार्ट नहीं ये फीलिंग मुझे लगती थी दूसरी जगह में जाके और यहाँ जाके बड़ा ही अपनापन लगता था ऐसा लगता था सारे लोग मेरे अपने ही हैं सब मेरे फ्रेंड्स हैं और जो कहते हैं ना प्यार बहता जैसे उनके दिल से मेरे लिए मेरे दिल से उनके लिए तो वो एक कनेक्शन था जो मुझे फील होता था जहाँ जब जब भी मैं इनके उसमें जाती थी आ, कुछ भी आयोजन करती थी कविता गुप्ता बहुत करती थी भुवनेश्वर में और उनको मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए तो मैं जाती थी तो बड़ा कनेक्ट था मुझे बड़ा अच्छा लगता था और फिर उत, उस डेढ़ दो साल के टाइम में जब तक हम भुवनेश्वर में थे उसके बाद तीन साल थे इनफैक्ट मैंने और कुछ किया ही नहीं मैंने सिर्फ ध्यान ही किया बस मतलब एक लाइफ में एक ही काम था कि अब ध्यान ही करना और कुछ नहीं करना तो जब आपने ध्यान किया कितने घंटों घंटों ध्यान किया तो आपके क्या क्या अनुभव थे क्या अंदर क्या हो रहा था और क्या आप ध्यान के द्वारा आपने क्या पाया सबसे पहले तो मेरा डर खत्म हो गया तो जैसे कि मैं भगवान का मैंने बताया ना मैं बहुत मैं बहुत पूजा पाठ करती थी भगवान से डरती थी तो मैंने एक बार कविता गुप्ता से शेयर किया उन्होंने मेरे से कहा कि क्या ज़रूरत है इतनी पूजा करने की तो मैंने कहा कि अरे गुस्सा हो जाएंगे भगवान तो अगर मैं छोड़ दूँ कैसे मैं छोड़ दूँ इतने साल से करती चली आ रही हूँ तो उन्होंने कहा कि वो आपके पिता हैं तो क्या आपके पिता नाराज़ हो जाएंगे आपसे अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे गड़बड़ भी कर दोगे तो भी क्या नाराज़ होंगे तो वो बात मुझे बहुत पॉइंट एकदम वैलिड लगा मुझे कि सही बात है वो तो मेरे पिता है। वो अपने बच्चे चाहे कुछ भी करें और फिर उन मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि भगवान ने कब कहा है कि मेरी पूजा करो मैंने बहुत उसको इंट्रोस्पेक्ट किया कि कहाँ पे भगवान ने कहा है कि मेरी पूजा करो तो मैंने रियलाइज़ किया कि कभी भी नहीं कहा उन्होंने उन्होंने तो ये कहा कि फॉलो करो मैं क्या बता रहा हूँ वो देखो तुम वो सीखो तो ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट था मेरी लाइफ में जिसने मेरा पूजा के प्रति जो डर और वो था एक कहना चाहिए फोबिया काइंड ऑफ थिंग पूज पूजा करना है पूजा करना है वो खत्म हो गया मेरा सुबह उठते ही पूजा कोई भी बात पे पूजा कुछ, कुछ पूजा हाँ सारे कैलेंडर में वो देख के तीज त्योहार अब ये है अब ये है अब ये है इस बात से मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि मैं बीमार भी बहुत पड़ती थी क्योंकि मैं इतने कठिन कठिन व्रत करती थी और उसके बाद बीमार पड़ती थी तो वो कहते थे तुम मेरे लिए प्लीज़ ये सब मत किया करो ब्रत जिसमें भूखे रहो और फिर बीमार पड़ जाओ yeah. <laughs> तो वो सब ठीक हो गया और फियर जो था मेरे अंदर वो अपने आप धीरे 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 डिजॉल्व हो गया और एक एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हें किस बात का डर है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो किसने बोला और कैसे हुआ बट वो बड़ा ही अद्भुत अनुभव था एट्टी मेरा डर उससे चला गया एक अनुभव ऐसा हुआ कि हम यूएसए गए और वापस आने के बाद तब मैं पूजा करती थी वापस आने के बाद मैं अपने मंदिर में गई और मैंने कहा हे प्रभु बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए <laughs> <laughs> तो अंदर से ही आवाज़ आई कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था दर्शन की क्या बात है तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे अनुभव हुए बहुत डेवलपमेंट जिसको बोलना चाहिए बहुत विकास हुआ आत्मा का धीरे 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 आत्मा की शक्ति पहचानने लगी मैं अपने आप को पहचानने लगी मैं जो दुनिया भर में ढूंढ रही थी कुछ धीरे धीरे सेंटर्ड होने लगा अपने अंदर आने लगा अपना अपने ऊपर विश्वास होने लगा नहीं तो मैं कभी स्वाध्याय कर नहीं सकती थी वो जिस कंडीशन में मैं थी पॉसिबल ही नहीं था तो आपका जो ये सर्च था ये खोज थी कि मैं कौन हूँ मैं धरती पर क्यों आई हूँ तो क्या आपका वो उस प्रश्न का आपका जवाब मिला जवाब तो कहना चाहिए नहीं मिला बट जो बाद में अभी मैंने एक बुक पढ़ी मैं सोचती थी मेरे अंदर ये बहुत प्रश्न चलता था शुरू में जब मैंने ध्यान शुरू किया तो बड़ा एक्साइटेड हो जाती थी सोच के मैं कौन हूँ मैं यहाँ क्यों आई हूँ क्या क्या पर्पस है मेरी लाइफ का कुछ ना कुछ तो होगा ऐसे तो नहीं हो सकता है कि बिना बात कहीं मुझे यहाँ भेज दिया गया हो तो क्योंकि जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो ये बड़े कहना चाहिए नेचुरल से क्वेश्चन हैं जो हर एक के अंदर आते होंगे मुझे ऐसा लगता है तो ये रहता था पर धीरे 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 मेरे अंदर वो आ गई बात कि मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ या मैं यहाँ क्यों आई हूँ अंदर से ही एक बात आ, मतलब आ, कहना चाहिए तो अभी मैं जब एक बुक पढ़ रही थी फिफ्थ एग्रीमेंट करके वो बुक है उसमें उन्होंने डॉन मिगल रोइस ने लिखी है तो उसमें उन्होंने कहा कि यू आर द अननोएबल तो so, मैंने रियलाइज़ किया कि सही बात है मैं अनोएबल हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि यू कॉन्ट एक्सप्रेस विद वर्ड्स आप शब्दों से नहीं बता सकते हो कि आप कौन हो आपको तो फील करना है तो मैंने महसूस करने लगी जो बात फिर मैंने उससे बहुत रिलेट किया कि मेरी सर्च क्यों अपने आप ही वो कम हो गई ढूंढना मैं कौन हूँ मैं कौन, मैं कौन hmm. क्योंकि मैं महसूस करने लगी कि मैं कौन हूँ अंदर से तो वो धीरे धीरे अपने आप ही वो क्वेश्चन खत्म हो गए बहुत थे hmm. तो जैसे आप ध्यान कर रहे थे और hmm. शहरों में भी आपका hmm. आपके हस्बैंड का एक ऐसे नौकरी था जहाँ पे hmm. आपको शिफ्ट करना पड़ा hmm. तो तब भी आपने ध्यान को कंटिन्यू किया hmm. कोई बहाने नहीं रखे कि हाँ मेरे hmm. पास बिल्कुल वक्त नहीं है मुझे सब कुछ संभालना है वो hmm. नहीं था बिल्कुल बहुत पैशन था मेरे अंदर और अभी भी है और मेरी लाइफ में आ, मतलब कई बार मुझे हैरानी भी होती है जब दूसरे लोग दूसरी दूसरी बातें करते हैं मैं सोचती क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात करना है तो केवल ध्यान के बारे में करना है या सत्संग के बारे में करना है या और इसके अलावा और कुछ वो मुझे लगता है कि वर्थ वाइल नहीं है मतलब टाइम वेस्टिंग लगता है मुझे तो पार्टीज़ में जाना किटीज़ में जाना ये सब तो अपने आप ही फिनिश हो गया और मेरे अंदर इतना पैशन था कि मुझे ध्यान सिखाना भी है क्योंकि तो पत्री सर इतना बोलते थे कि सिखाना है ध्यान सिखाना है और शाकाहार के बारे में पहले तो मैं शाकाहार के बारे में बोलती भी बहुत थी फिर मुझे बहुत लोगों ने टोन डाउन कर दिया कि नहीं ये एक पर्सनल चॉइस है बोलने से आप किसी को नहीं कर सकते चेंज तो सब सब जगह सबके बीच में शांति होना चाहिए ये सब बातें मेरे अंदर बहुत थी तो मैं नए शहर में जहाँ भी जाती थी तो वहाँ मैं ज़रूर सबको बताती थी कि ध्यान करो लोगों को बुलाती थी सिखाती थी मास्टर्स को बुलाती थी अपने घर में और मेरे हस्बैंड ने भी इसमें मेरा बहुत सहयोग किया उनके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ <laughs> यूनिवर्स ने मुझे सही पार्टनर दिया hmm. तो जो कि समझ सकता था कि मेरा मेरे अंदर क्या चल रहा है तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया लोगों को बुलाती थी सिखाती थी नहीं सीखते थे या नहीं आते थे तो फ्रस्ट्रेट भी होती थी मन ही मन फिर मैं जैसे राम राजू थे ना मैं उनसे बोलती थी सर मैं इतनी मेहनत करती हूँ मैडम जाने दीजिए जिसका होगा भाग्य में वो आएगा आपने अपना काम कर दिया बस तो नहीं। नहीं। देन आई रियलाइज़ उसके बाद मैंने अपने आप को रोका कि मुझे इतना ज़्यादा भी वो नहीं करना है लोगों को पकड़ पकड़ के ध्यान सिखाने का काम नहीं करना है मुझे केवल उन लोगों को बताना है जो वाकई में सुनना चाहते हैं मेरी बात हर hmm. किसी को पकड़ के जिसके घर भी गया बस बताने लगे हम तो ध्यान करते हैं वो क्योंकि नया नया एक्साइटमेंट जो था ध्यान का तो मेरे अंदर वो वाली फीलिंग थी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे विद टाइम hmm. कम होता चला गया अब hmm. तो बस मुझे ऐसा लगता है कि आ, मुझे जो काम मिला था शायद वो ऑनलाइन ही था स्वाध्याय तो अब मैं उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम दी तो जैसे आपने शेयर करना शुरू किया पहले तो खुद ध्यान किया तो एक ध्यान की भी एक यात्रा होती है जब आप खुद के लिए ध्यान करते हो खुद अपनी ऊर्जा बढ़ाते हो फिर तो धीरे धीरे आप बांटने लगते हो अपने अनुभव शेयर करने लगते हो तो पहली जो चीज होती है कि लगता है कि जो मुझे पता है मैं दूसरे को बताऊं और वही खासियत है पी का कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोर्स या कोई फीस या कोई कोई डिग्री पानी है ताकि आप कर सको आपने जैसा अपने ध्यान सीखा वैसे आपने आगे बांटा तो वही है फ्यस जो आपने कहा कि पहले एक निडरता होती है फिर एक एक संभल होता है कि अब जितना मुझे पता है वो बंदा सुनना चाहता है कि नहीं वो एक इंट्यूशन के साथ आप धीरे धीरे आपने काम करना शुरू किया फिर आप ये ये जो स्वाध्याय का जो ये मोड है आप बचपन से ही पढ़ती थी बचपन से ही किताबें पढ़ती थी तो आपका ये स्वाध्याय का जो मोड है जहाँ पे आप इतना पढ़ते हैं इतने आर्डेंट रीडर बोल सकते हैं तो आपका ये मोड कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि आ, बुक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी पढ़ना और फिर पी एस में आने के बाद तो जैसे मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या नहीं ले लूँ और मैं बेंगलोर गई पहली बार पिरामिड वैली क्योंकि तो उस समय तो ऑनलाइन अमेज़न इतना नहीं था चलते नहीं थी बुक्स तो मैंने इतनी बुक्स खरीदी कि मुझे एक्स्ट्रा लगेज देना पड़ा क्योंकि मैं पागल हो गई वहाँ जाके वो लाइब्रेरी देख के और सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए ढेर <laughs> <laughs> सारी बुक्स उसमें राम था मेन थी ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन ये सारी बुक्स जो पत्री सर बताते थे सब मैंने ले ली और फिर मैं लेके आई और मैंने पढ़ा और मुझे मैं बताती थी सबको क्योंकि मुझे बताना पसंद था मैं अपने घर वालों को बताती थी देखो वो नहीं समझ पाते क्योंकि ये इन चीज़ों को कोई आसानी से रिलेट नहीं कर सकता बट हुआ ऐसा कि आ, हमारे एक, एक मेंटर है संदीप जोत सिंह मेरे उन्होंने एक ग्रुप बनाया आ, बुक्स एंड लेसन्स इसमें उन्होंने कहा कि आप समरीज शेयर करिए तो मैंने सोचा कि समरी मैं भी मैं बड़ी एक्साइटेड थी पोलो कोलो की एक बुक पढ़ रही थी मैं लाइक द फ्लोइंग रिवर तो मैंने उसकी समरी मैंने कहा मैं बना के भेजती हूँ तीन स्टोरीज मैंने छोटी छोटी स्टोरीज है सेलेक्ट की तो जब मैं उसको टाइप करने लगी तो उसमें बड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने उठाया फ़ोन और मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्ड करके मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये तो जा ही नहीं रहा तो उन्होंने क्या किया उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और फिर मुझे किसी ने देख के मुझे कॉल किया कि अरे मैंने आपका देखा आपकी चैनल का नाम अनिल दीक्षित है क्या <laughs> 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 तो, मैं, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा तो अपने चैनल का कुछ नाम भी रखो तो फिर मैंने कविता एट रिदम ऑफ लाइफ तो मैंने चार पाँच वीडियोज तो उसके बनाए आलेख्या से मेरी बात हुई और आलेख्या ने कहा कि आप हमारे लिए बोलिए लेकिन उसके पहले राम राजू सर से मेरा एक इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आप एक बुक शेयर करिए तो मैंने उस समय मुझे फोर एग्रीमेंट्स बहुत पसंद थी तो मैंने फोर एग्रीमेंट्स शेयर की उनकी हेल्प से क्योंकि मैं मैंने कहा कि सर मैं इतनी प्रिपेर्ड नहीं हूँ कि मैं पूरी बुक एक बार में बोल पाऊँगी उन्होंने कहा आप थोड़ा पार्ट बोलिए मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो उससे फिर मेरी ये शुरू हुई यात्रा और आ, आ, ये इतना मेरी लाइफ का एक्साइटिंग पार्ट जिसको बोलना चाहिए क्योंकि मैं जो चीज़ हमेशा सोचती थी कि मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ मैं लोगों को बताऊँ तो ये वहाँ से ही इसका शुरुआत हो गई तो इसलिए मैं लोगों को सबको मैं बोलती हूँ कि पर्पज़ ऑफ लाइफ जो लोग कई लोग पूछते हैं मेरे से भी क्वेश्चन कि क्या है तो उसको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है वो सब अपने आप सामने आता जाएगा जिसको बोलते हैं ना रिवील होता जाता है तो एक बार आप ध्यान करने लगते हो तो कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता आप सब कुछ आपके सामने आता जाएगा बस आप पूरे विश्वास के साथ फेयरलेसनेस के साथ आप अपना काम करते रहो चलते रहो बस ध्यान में आते हुए आपने कई अनुभव प्राप्त किए जिसमें ऐसा नहीं कि हर एक बार अद्भुत ध्यान होता है या हर एक बार एक तीसरी आँख खुली होती है एक विजन दिखता है लेकिन हर एक ध्यान के अनुभव से हम कुछ सीखते हैं तो आपके जो ध्यान के अनुभव हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने अपने अनुभवों के द्वारा क्या क्या सीखा ये बात सही है कि हर बार ध्यान उतना अच्छा नहीं होगा आ, हर बार आपको बहुत आ, मतलब ये सोच के चलना चाहिए कि बस ध्यान में बैठना है ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बैठना चाहिए कि बस मैं ध्यान में बैठ रही हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा या कुछ नया अनुभव होगा मेरे साथ जो एक सबसे प्रोफाउंड अनुभव जिसको हम बोल सकते हैं ध्यान का ये था कि मैं बहुत ही हिंदूवादी थी मतलब हिंदू देवी देवताओं को ही मानना और क्रिश्चन्स अलग हैं मुस्लिम्स अलग हैं ये अलग है वो अलग है उनके यहाँ ऐसा होता हमारे यहाँ ऐसा होता इस तरह की बातें मैं उस टाइम किया करती थी और उनके साथ मेरा कनेक्ट भी नहीं था दूसरे धर्मों के साथ जो कनेक्शन जो अब फील होता है वो नहीं था नहीं। उनको मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी उन धर्मों को तो एक बार मैंने गाइडेड मेडिटेशन लगा के मैं बैठी और उसमें उन्होंने बोला कि आपके मेडिटेशन में तीन मास्टर्स आएंगे आप देखिए कौन कौन है तो मैंने कोशिश की देखने की मैं गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में देखना चाहती थी लेकिन वो कभी मुझे नहीं दिखाई दिए उसमें भी मैंने सोचा कि अरे पहला मास्टर तो गौतम बुद्ध ही होंगे पर कोई नहीं था हम अपने खुद के माइंड के लेवल पे टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं है। लेकिन हमें जो ग्रैंड मास्टर्स है वो उनको पता है क्या उनको पता है वो पहले दो मास्टर्स मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन है पर तीसरे मास्टर बहुत क्लियरली जीजस थे और उनको देख के मैं हक्की बक्के रह गई क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा कोई उनके प्रति लगाव नहीं था ना ही ध्यान था उनके प्रति कि और मतलब एज अ मास्टर भी उनको नहीं मैं फॉलो करती थी बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जीसस कितने ग्रैंड मास्टर थे तो वो जीसस थे और मुस्कुरा रहे थे मुझे देख के तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे कुछ दिया दोनों हाथों से तो मैंने देखा वो क्या दे रहे हैं तो वो क्रॉस था hmm. मैंने कहा नहीं क्योंकि जितना हिंदू तत्व भरा हुआ था अंदर <laughs> तो मैंने नहीं लिया खड़ी रही मैं फिर दोबारा उन्होंने आगे किया मैंने नहीं लिया फिर तिबारा उन्होंने कहा लो तो फिर मैंने कहा इनका दिल रखने के लिए मैंने ले लिया वो ले लिया वो और क्रॉस पकड़ के मैं खड़ी थी इतने में पीछे से गाइडेड मेडिटेशन में उस लेडी ने बोला कि अपने मास्टर साहब एक गिफ्ट मांगे तो मैंने कहा मुझे गिफ्ट दीजिए तो उन्होंने कहा मैंने दिया तुमको क्रॉस मैंने कहा नहीं कुछ और दीजिए तो उन्होंने मुझे हार्ट दिया एक सुंदर सा हार्ट था वो हार्ट मैंने उनसे ले लिया बट स्टिल ध्यान करने के बाद भी सब होने के बाद भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या गड़बड़ हो गया ये hmm. जो कि अनएक्सपेक्टेड मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया वो मेरे से भी थोड़े बढ़ गए हैं मास्टर मैंने उसको कॉल किया मैंने कहा जीजस आए मेरे मेडिटेशन में बड़ा मतलब ट्रबल्ड थी मैं और उन्होंने ना मुझे क्रॉस दिया बोले अरे खुश हो जाओ आप तो डिवाइन प्रोटेक्शन मिल गया आपको जीजस आया आपके मेडिटेशन में तो मैंने सोचा हाँ कुछ अच्छा तो हुआ <laughs> थोड़ा सा टाइम लगा एंड उसके बाद लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा चेंज आया कि जो लव जो बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव वो अचानक फ्लो होना शुरू हो गया और जीसस को देख के तो मतलब मुझे ऐसा लगता कि बस वो मुझे अब बाहों में ही भरने वाले हैं मैं उनको देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे अब लेने बाहों भाव में तो और ये जो धर्मों को लेके मेरे अंदर जो एक पेज था वो अपने आप पता नहीं कहाँ चला गया है सबके लिए प्यार फिर मुझे अगर कोई बोलता भी था इस बारे में कि वो ऐसा वैसा तो मैं उसको फिर तुरंत ही करेक्शन भी कर देती थी कि कहाँ हो तुम क्या सोच रहे हो सोल कहाँ है तुम्हारा सोल लेवल पर सोचो hmm. इन सब बातों से क्या हालांकि hmm. मुझे कई बार लगता है कि मैं प्रीच करने के लिए नहीं हूँ बट अंदर से वो आवाज़ उठती थी कि जो मेरे साथ हुआ है कि hmm. सोल लेवल पर सोचना है कहाँ हम फंसे हुए हैं तो वो मैं ज़रूर एक बार उसको बता देती थी जो मुझे इस तरह की बातें कर वो एक जो आपने विजन देखा जो अनुभव किया hmm. वो आपके जो सारे मूड नम तेलुगु में बोलते हैं मूड नमकम जो आपके आ, आ, सोच विचार जो बंधे हुए होते थे वो खुल गए खुल गए बहुत कुछ खुला है लाइफ में बहुत कुछ बंधा हुआ था बहुत सारे मैंने रियलाइज़ किया कि कितने सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि अंदर थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी पता नहीं कौन से बिलीफ्स थे चले आ रहे थे पास्ट लाइफ के इस लाइफ के जिनको कि मैंने रिलीज़ किया क्योंकि जब मैंने सोच मुझे मैंने जानना शुरू किया ये सेहत विजडम वग़ैरह और ये सब कुछ कि किस तरह से हम प्रोग्राम्ड हैं तो मैं फिर उन प्रोग्राम्स को रिलीज़ करती थी तो उससे बहुत कुछ ओपननेस मतलब मुझे खुद फील होने लगा स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं ना वो जो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग होने का जो एहसास है ऐसा लगा जैसे बंधी हुई थी मैं काफ़ी टाइम से और फिर अब सब खुल गया और स्वाध्याय ने भी मेरी बहुत हेल्प की क्योंकि जब मैं कोई बुक शेयर करती हूँ तो उसको दो तीन बार तो कम से कम पढ़ती हूँ उस पढ़ने के दौरान ही कितने सारे ताले खुल जाते हैं मेरे अंदर तो जब मैं बोलती हूँ तो फिर मैं दिल से बोलती हूँ और मैं बोलती भी वही हूँ जो मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये ये वाकई में मेरे दिल से निकल रहा है कई बातें जो मेरे दिल से नहीं निकल रही मैं नहीं बोलती हूँ तो जैसे कि एक मरदाद का मैं इंस्टेंस बताना चाहूँगी मिरदाज ने अपने बुक में बोला कि प्रेम जो है वो इस दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है रोटी कपड़ा और मकान से भी ज़रूरी और पानी और हवा से भी ज़रूरी तो इस बात से मैं रिलेट नहीं कर पाई मैंने उसको बोला ही नहीं स्वाध्याय में क्योंकि मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ फिर मैंने इस पर पौन्डर किया बहुत सोचा इस बारे में विचार किया मैंने कहा इसका इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा मिर्दार जैसी किताब में लिखा हुआ है तो मेरे समझने में ही कहीं गलती है तो जब मैंने देखा और मैंने पाया कि वाकई में प्रेम जो है जिसको बोलते हैं ना कि जो पीछे का फैब्रिक है जिस पर हम सब लगे हुए हैं वो प्रेम ही है और जो लोग जिन लोगों की लाइफ में प्रेम की कमी होती उनकी लाइफ इसको कहते हैं ना आधा अर्ध जीवन हाफ अ लाइफ वो है और ज़्यादातर लोगों के साथ यही है क्योंकि लोग प्रेम को जो है वो एक वर्ची उम्मीदवार ने बहुत क्लियरली कहा है कि ये कोई गुण नहीं है आपका ये तो आपका बीइंग है आप जब प्रेम में जियोगे तभी वो जीवन है और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि बहुत लोग जो मनोविकारों के शिकार हैं और जिनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा उनकी लाइफ में प्रेम की कमी hmm. वो प्यार देना नहीं चाहते वो प्यार लेना भी नहीं जानते और इसलिए वो स्ट्रगल करते रहते हैं और फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ क्यों सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि दे डोंट नो हाउ क्लब उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकर देखा जाए तो एक ही चीज़ की कमी है प्रेम तो वो वो मुझे फैक्टर समझ में आया कि प्यार कितना इम्पोर्टेंट है और प्यार ही है जो कुछ है सृष्टि में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है ये बात मुझे मरदार ने सिखाई <laughs> तो हर एक किताब हर एक अनुभव से आपने अपने जीवन के बारे में और गहराई से जाना वाह तो और स्वाध्याय के बारे में और जानते हैं कि आपके जो फेवरेट किताब है जो आपकी जिंदगी ने आपकी फेवरेट किताब जो आपकी जिंदगी को बदल दिया वो किताब आराम था वाइट बुक द वाइट बुक उसने मतलब ध्यान तो मैं करती थी और इतना विजडम शेयरिंग उस टाइम नहीं था क्योंकि ये सब जूम सेशन नहीं थे जब कोई मास्टर आएगा तो आप उसके साथ दो तीन घंटा बिताओगे तो उतना ही बस मिलता था दो तीन महीने में एक बार तो, थी तो तब मैं रामथा लेके आई थी नई नई वो किताब और उसने रामथा से मैंने रेलाय मतलब मुझे ये अंदर से जैसे बोलना चाहिए ना एक बिजली कौंधी की थाट्स क्या होते हैं और हम किस तरह से थाट्स में फंसे हुए हैं जबकि हम हम अपने आप को थाट्स ही मान रहे हैं जबकि हम वो थाट्स नहीं हैं वो अलग हैं हम तो ये पहले जो लाइफ चेंजिंग बुक मेरी लाइफ की थी वो था थी जिसने मुझे बताया कि थॉट्स अलग हो तुम अलग हो एंड यू हैव अ राइट टू चूज़ तुमको तुम्हारे हाथ में है ये कि तुम्हें कौन सा थॉट पसंद है तुम कौन सा थॉट चूज़ करना चाहती हो कौन सा नहीं करना चाहती तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव था इसके अलावा फोर एग्रीमेंट्स जैसे मैंने बताया इसने तो मुझे बहुत लाइफ में बुराया चेंज लाया मेरी लाइफ में मैंने अपने शब्दों का महत्व जाना उससे कि किस तरह से हम शब्दों से क्रिएट करते हैं और मैंने एक दो एक्सपीरियंस ऐसे भी जाने कि जब हम दूसरे के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं तो वो हमारी लाइफ में पहले हो जाता है ये बात भी मैंने एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए लाइफ के कि मैंने किसी और के लिए सोचा और वो मेरी लाइफ में घट गया तो ये सब मैंने बहुत रिलेट किया किताबों से जो मैं बुक्स पढ़ रही थी उस दौरान जो विजडम शेयरिंग ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन भी एक मुझे बहुत पसंद है किताब और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट मुझे मेरदाद जब मैं शेयर करती हूँ वो मेरी आजकल बहुत फेवरेट किताब हो गई क्योंकि मैं उसके उसमें जो उसने बातें बोली हैं उससे मैं हंड्रेड परसेंट एग्री करती हूँ बिल्कुल मतलब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसिस जो हैं जब मैं उनको पढ़ती हूँ उस किताब को तो मुझे लगता है एक एक वर्ड जो है वो जैसे हम लोगों के जीवन से ही उतार के लिख दिया गया है उस किताब में तो पत्री जी का भी एक अद्भुत क्या बोल सकते हैं हैबिट बोल सकते हैं एक जीवन का एक मुख्य अंग वो भी ज्ञान योगी कहते हैं कि किताबों के माध्यम से माध्यम से उन्होंने करीब दो तीन लाख जब मैंने ध्यान शुरू किया हुआ 2009 में करीब उन्होंने ऑलरेडी एक लाख किताबें पढ़ ली थी अभी तो कितना ही होगा उनके और हम बहुत कुछ सीखते हैं तो आपने पति जी से उनके स्वाध्याय से क्या इंस्पिरेशन लिया है मेरी लाइफ का मतलब पत्री सर का रोल तो मैं मैं बोलती हूँ ना कि एक एक फ़िल्मी गाना है थोड़ा सा मैं पत्री सर के लिए बोलूँगी वो गाना जब भी मैं सुनती हूँ सर की याद मुझे आती है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया तो पत्री सर का इन्फ्लुएंस तो मैं मैं बता नहीं सकती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं <laughs> तो उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया नई नई दिशा जिसको बोलते हैं ना नई दिशा मैंने वर्ड तब जाना जब मैं पत्री सर मेरी लाइफ में आए और मैं हंड्रेड परसेंट जब जब वो बोलते थे ना कि बुक्स पढ़ने से आपका ये होता तो मैं उसको इतना ज़्यादा उनसे रिलेट कर पाती थी क्योंकि मेरी लाइफ में भी बुक्स का वही रोल था कि जो आपका एनलाइटनमेंट हो सकता है बुक्स पढ़ के इतना इम्पॉर्टेंस है लाइफ में मतलब रोल है बुक्स का कि अगर कोई व्यक्ति और सिर्फ ध्यान करे और किताब पढ़े और कुछ भी ना करे तो वो एनलाइटन हो सकता है। तो किताबों में इतनी शक्ति है तो मैंने बताया ना जो वर्ड का पावर जो आप बोलते हो पढ़ते हो कितना ज़बरदस्त आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसका इन्फ्लुंस होता है मेरे से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा क्योंकि मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं और एक्सपीरियंस के साथ जैसे एक किताब है गोइंग डीपर पति सर जो भी बुक्स बोलते हैं मैं उनको ज़रूर पढ़ती हूँ mm. <laughs> क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे लिए बोल रहे हैं yeah. <laughs> मेरे ख्याल से सभी को ऐसा लगता होगा लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब सर मुझे बोल रहे हैं कि अब ये किताब पढ़ो mm. <laughs> तो गोइंग डीपर एक किताब है जिसमें कि वो कहता है कि उसका जो हीरो है वो उससे कहता है अपने फ्रेंड से कि वो एक अगर हाथी को छन्नी में से छान दोगे तुम तो क्या होगा तो कहता है कि हाथी को कैसे एक छन्नी में से छाना जा सकता है बोले नहीं कैसे भी करो तुम उसको छानो दबाओ स्क्वीज करो कुछ भी करो तो बोले क्या निकलेगा उसमें से तो बोलता कुछ गोई सा ऐसा पल्प सा निकलेगा तो वो कहते ईश्वर वही है हम क्या कर रहे हैं हाथी को सब छन्नी में से छान के निकाल के और उसको यूनिवर्स या गॉड या इस तरह से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात ने भी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया जो मेरी जो सर्च थी ना भगवान को अपने आप को जानने की कोशिश कि हाथी हाथी को छन्नी में समझ निकालो <laughs> जो पल पाएगा वो कुछ नहीं किसी काम का नहीं है नहीं। तो बस जस्ट रिलैक्स तो उसने उसके बाद से मैंने अपनी खोज मेरी अपने आप ही कम हो गई और आ, हर किताब का पति जो भी बुक बोलते हैं उससे लाइफ में मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है हर हर जो भी वो बुक किसी का भी जैसे ही वो नई बुक का नाम लेते हैं मैं बड़ी एक्साइटेडली उसको पढ़ती हूँ और उससे थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करती हूँ <laughs> और ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि जो एनलाइटनमेंट लोगों को कई लोगों को होता होगा एकदम से शायद ये फील होता होगा कि हाँ मैं इन्लाइटेंड हो गया बट मेरा एनलाइटनमेंट डेली वाला है मुझे ऐसा फील होता है हर दिन कोई ऐसी इंसाइट होती है या कोई मैं बुक पढ़ती हूँ या कोई मुझे आ कुछ बोलता है जिससे मुझे ऐसा लगता कि हाँ कुछ और लाइफ में चमक आ गई ऐसा <laughs> फील होता है <laughs> तो आप हिंदी भाषी होते हुए आपने दक्षिण भारत में अलग अलग शहरों में आप घूमी हैं जैसे जितना तक मैं जानती हूँ विजयवाड़ा हैदराबाद अब अब आप उत्तर भारत की ओर जा रहे हैं तो आपका जो ये जो ये जो घूमने का जो आपके लाइफ का डिजाइन है तो आपने इससे क्या सीखा कि आप का यूनिक डिज़ाइन है कि आप आ, उत्तर भारत हिंदी भाषी होते हुए आप दक्षिण भारत में रह रहे तो आपने क्या सीखा इसे आ, मैं बहुत पहले इसके आ, फेवर में नहीं रहती थी मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी हम बहुत घूम चुके हैं अब मुझे एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ चाहिए ऐसा मुझे पसंद नहीं है ये नई नई जगह जाके हर जगह नई जगह ढूंढो सर्वेंट्स आपको हाउस हेल्प ढूंढनी है आपको ग्रॉसरी कहाँ मिलेगी सब्जी कहाँ मिलेगी इसको लेके मैं बहुत परेशान रहती थी लेकिन मैंने ये पाया कि ये जो है ना इस सब से मेरा बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ क्योंकि तो सारी सिचुएशन लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं और हर नई जगह जाके नया कल्चर नए मास्टर्स नए लोग उनसे उनके बीच में कुछ सीखने को मिलता है तो कोई भी दुनिया में एफर्ट वेस्ट नहीं और मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरी लाइफ डिज़ाइन इसलिए भी है क्योंकि मुझे घूमने का बड़ा शौक़ था पहले तो जब मैं कई बार चिड़चिड़ाती थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि सरकार तुमको पैसे दे के उस जगह कैरियर रहो और अच्छे से एक्सप्लोर करो <laughs> तो तुम चिड़चिड़ क्यों कर रही हो घूमो <laughs> तुम्हें तो घूमने का शौक़ था <laughs> हाँ। मुझे ऐसा वाला घूमना नहीं चाहिए बट ये बात सही है क्योंकि जब हमारा विजयवाड़ा ट्रांसफ़र हुआ तब तो मेरे हस्बैंड ने पत्री सर आए थे उस समय वो मौन व्रत रखे हुए थे तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा सर हम विजयवाड़ा जा रहे हैं तो सर ने इशारे से बताया पिरामिड पिरामिड है वहाँ पे जाओ हाँ। <laughs> तो वाकई में जब हम अपने होटल में रुके और हमने छत से देखा तो सारे पिरामिड ही पिरामिड फैले हुए थे पूरे विजयवाड़ा में बहुत लोगों ने पिरामिड अपने घर की छत पर बनाए हुए थे तो उस बात से मैं थोड़ा मुझे मतलब उस समय तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी क्योंकि लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं कहाँ आ गई पर वो पिरामिड देख के मुझे बड़ा रिलीफ मिला कि हाँ चलो ये कोई ऐसी जगह है जहाँ मतलब मेरा सोल मुझे यहाँ लेके आया है आई हैव टू लर्न कुछ सीखना है मुझे यहाँ hmm. और वाकई मैं बहुत सीखा मैंने बहुत सीखा सो आपकी जो दो hmm. में जो आपके hmm. अंदर hmm. वो एक, hmm. एक कुछ हिल गया था जिसके द्वारा आपने जो एक सत्य है वॉट यू सीक इज सीकिंग यू तो आप सीख कर रहे थे ध्यान और आपके जिंदगी में ध्यान आया तो आखिरी में ये, जा, ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो ये लंबी यात्रा है आपकी क्या अद्भुत सीख है क्या क्या आप अपने अंदर जब भी आप जैसे कहीं भी ट्रैवल करते हैं जैसे आप, आप बहुत घूमते हैं तो आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप जैसे पत्र से सीखते हैं आप किताबों से सीखते हैं वो क्या आपके अंदर हमेशा आप रखते हो एक चीज़ जो मैंने सीखी है अभी इस इस पूरे अपना मैंना मैं कहना चाहूँगी यात्रा में अपनी कि सबको अपना बनाना मुझे ऐसा मुझे अंदर से फील होता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सबको अपना बनाना और जैसे कई लोग नई जगह जाने के पहले जो मेरे अंदर भी ट्रेट था कि मैं कहती थी कि अरे वहाँ पे यह प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है वो एकदम से गायब हो गई मेरे अंदर से इस इस, इस पिछले पाँच सालों में कहना चाहिए hmm. और अब मुझे ऐसा फील होता है कि सब मुझे प्यार करते हैं और मैं सबको प्यार कर hmm. और जहाँ भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है लोग मेरा बड़ी खुशी खुशी वेट कर रहे हैं और मैं hmm. भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ कहीं भी जाने से पहले और जसमून की एक बात ने जिसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था कि कभी भी कोई काम करने चलो तो ये सोचो कि इसमें मेरी भलाई है सामने वाले की भलाई है और यूनिवर्स की भलाई है तो अब जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ शायद इसमें मेरी भलाई है उनकी भी भलाई है और यूनिवर्स की भी कोई भलाई है हाँ। तो इसलिए अब मैं बहुत ही फ्रीडम है मेरे मतलब मेरे अंदर वो डर या वो चीज़ भावना नहीं रह गई है कि अब मैं नई जगह जा रही हूँ तो क्या होगा मुझे मालूम है कि मेरे लिए सब कुछ तैयार होगा वहाँ पर <laughs> केवल खुशियाँ आगे <laughs> तो आपकी जो ये ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर हाँ यूनिवर्स के ऊपर एक ट्रस्ट है बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर अपने गुरु के ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन पी एस एस एम के ऊपर सबके ऊपर मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर पूरा सृष्टि के ऊपर मुझे ट्रस्ट है <laughs> <laughs> मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे लिए ही हैं और मैं सबके लिए हूँ <laughs> तो, तो आपका ये यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमें बहुत कुछ सीखने को देता है और इंस्पायर करता है कि हम ऐसे ही आपके जैसे किताबें अपने पास रखे और हम पढ़ते रहें क्योंकि आप जहाँ देखो आप किताबी कीड़ा बोल सकते हैं आपको हाँ, या आप जहाँ देखो आप हाँ। या तो किताबों का डिस्कशन करते हैं या कभी कभी हाँ, आप हाँ। किताबों को बीच में लेके आ ही जाते हैं उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है कभी ना कभी कोई ना कोई किताब तो आती है तो ये ये दिखता है कि आप जैसे इवन पति जी से मैं यही देखती हूँ कि तुमने वो वाला बुक पढ़ा तुमने वो वाला बुक पढ़ा तो यही हर बार पति जी भी यही कहते हैं मुझे वो वो मेरे अंदर वो एक भाव है कि हर बार कुछ सीखना है और वो ही तो किताबों से हम सीख सकते हैं लाखों लोगों के जीवन बदल देती हैं किताबें है और इसलिए मैं इतना प्रमोट भी करती हूँ और मेरी पूरी फैमिली मैं बस मामले में बहुत फॉर्चुनेट है कि सब लोग ध्यान करते हैं और सब लोग बुक्स पढ़ते हैं और हम लोग को हमारी लाइफ इसलिए बड़ी मतलब एक कहना चाहिए यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं हमारे कन्वर्सेशन्स भी यही होते हैं ध्यान के बारे में सत्संग के बारे में बुक्स के बारे में तुमने क्या पढ़ा क्या सीखा तो अच्छा है इस, आ, मैं सोचती हूँ इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता <laughs> आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत लोगों ने आपको स्वाध्याय देखा ये मोस्ट पॉपुलर डिमांड पर ये आत्मा की यात्रा है क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि कविता जी है कौन ये हम आपको देखते हैं किताबों के साथ बट आपकी जो पर्सनल यात्रा है वो जानने का ये मौका मिला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और एक झलक दिखाने के लिए आपकी इस आत्मा के इस यात्रा के बारे में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पीएमसी हिंदी की टीम को और पी को और हमारे गुरु को और इतने सारे मास्टर्स जिन्होंने मेरी लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन दिया है मैं गिनने चलूँ लिखने चलूँ तो मैं शायद पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे तो मैं इसके माध्यम से आज मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और फ्रेंड्स मैं कहूँगी जितने ज़्यादा मास्टर्स से आप मिलें उतना ज़्यादा बेहतर आपका जीवन होता जाएगा आपको हर एक से सीखने का मौका मिलेगा बस ये मेरी लाइफ का जो निचोड़ है <laughs> थैंक यू वेलकम तो दोस्तों आज हमने कविता जी से बहुत कुछ सीखा क्योंकि मैंने तो इस यात्रा में हर एक मास्टर से सीखा और इन ग्रैंड मास्टर से बहुत कुछ सीखा कि स्वाध्याय कितना ज़रूरी है हमारे इर्द गिर्द किताबों का एक समूह होना चाहिए हर जगह हमारे इर्द गिर्द किताबें होनी चाहिए क्योंकि हर एक किताब से हर एक किताब के पीछे एक मास्टर है और मास्टर्स हैं जो अपना ज्ञान हम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम इस भौतिक जीवन में और आगे बढ़ सकें और तीव्र गति से आगे बढ़ सकें तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों आत्मा की यात्रा में और ऐसे हम गिने चुने मोतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे ही बने रहिए पी हिंदी चैनल के साथ और जैसे आप जानते हैं स्वाध्याय हमारे एक हमारी एक और श्रृंखला है उस श्रृंखला को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए और किताबें पढ़ते रहिए क्योंकि पत्री जी के रेकमेंडेड बुक्स हैं उस श्रृंखला में तो ऐसे बने रहिए दोस्तों ऐसे ही यात्राओं को सुनते रहिए सज्जन सांगत्य करते रहिए और अपने आप के साथ और समय बिताते रहिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार